अफगानिस्तान की स्थिति ने कई लोगों को चिंता में डाला है। फिल्म इंडस्ट्री नहीं, मैं कहूंगी कि बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को लेकर चिंता में है कि किस तरीके से तालिबान राज में लोगों की हालत होगी। महिलाओं पर जिस तरीके से अत्याचार होते थे, इस बारे में तो बहुत लोगों ने मुखर होकर बात भी की। अब खुद एक अफगानिस्तान की फीमेल फिल्म मेकर आगे आई हैं और उन्होंने जो कहा है आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जी हाँ, अफगानिस्तान की एक फिल्म मेकर है, प्रसिद्ध फिल्म मेकर है, और वो जो है अफगान फिल्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली फीमेल चेयरपर्सन भी हैं, यानी कि सारा करीमी की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उनके इस पोस्ट को अनुराग कश्यप ने भी रीशेयर किया और लोगों को कहा कि जो हिंसा के खिलाफ जो है चुप्पी तोड़े जो अफगान में चल रहा है उसके बारे में बोले और आगे आए। तो इस पोस्ट में सारा करीम ने लिखा, तालिबानी अफगान जो हैं लोगों का कत्ल कर रहे हैं। उन्होंने कई बच्चों को किडनैप किया है, उन्होंने अपने लोगों के हाथ में बच्चियों को बेच दिया है, उन्होंने पहनावे की वजह से औरतों को मार डाला है, उन्होंने हमारे चहेते कॉमेडियन को टॉर्चर कर उन्हें मार डाला, उन्होंने हमारे ऐतिहासिक कवि की भी जान ले ली, उन्होंने मीडिया से जुड़े लोगों और सरकार के लोगों की जान ले ली। सारा ने इस पोस्ट में बताया कि कैसे वे लोग वहां के लोगों को निशाने पर ले रही हैं और अपने आतंक से अपना विस्तार करते जा रही हैं। सारा ने लिखा, काबुल में ऐसे ढेरों परिवार हैं जो इस खौफ में जी रहे हैं कि उनकी जान बचेगी या नहीं, बिना दूध के उनके बच्चे मर रहे हैं। सभी देख रहे हैं कि ये सब गलत हो रहा है लेकिन पूरी दुनिया चुप है। वो आगे लिखती हैं, हमें आवाज उठाने की जरूरत है। उन्होंने यह डर भी जाहिर किया है कि बतौर फिल्म मेकर जो भी उन्होंने किया है वह सब कुछ खतरे में है, यानी कि उनके खुद का जो काम है वो खतरे में है। सारा ने यह भी लिखा कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर अपना शासन जमा लिया तो वे इस देश से कला का खात्मा कर देंगे। उन्होंने इस बात का भी डर जताया कि वो और कुछ अन्य फिल्म मेकर्स उनकी हिट लिस्ट में हो सकते हैं। सारा ने लिखा, ये तालिबानी महिलाओं के सारे अधिकार छीन लेंगे, हमें अंधकार में ढकेल देंगे, हमारी जुबा पर ताला लगा देंगे। फिर सिर्फ कुछ हफ्तों के भीतर तालिबान ने हमारे कई सारे स्कूलों को तबाह कर दिया है। करीब 2 मिलियन ऐसी लड़कियां हैं जिनका भविष्य खतरे में है, उन्हें स्कूल से बाहर निकालने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मुझे ये दुनिया समझ नहीं आ रही, मुझे उनकी ये चुप्पी समझ नहीं आ रही। मैं अपने देश के लिए खड़ी रहूंगी और लड़ती रहूंगी, लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकती, मुझे आपका साथ चाहिए। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, दुनिया को इस वक्त हमें पीठ नहीं दिखानी चाहिए। अफगान की महिलाओं, बच्चों, आर्टिस्ट, फिल्म मेकर्स को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये सपोर्ट हमारे लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी है। तो अब जो है सारा ने, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोस्ट है तालिबान के कब्जे से पहले जो है 2 दिन पहले ही किया था, लेकिन आप सभी देख ही रहे हैं किस तरीके की हालत हो रही है। आपने देखा कि कैसे कल एयरक्राफ्ट से लोग गिर रहे थे हवा से, इस तरह का दावा जो है ट्विटर पर किया गया, वीडियो पोस्ट किए गए। तो वहाँ की हालत पर अब इस फिल्म मेकर ने अपना दर्द जो है बयां किया है और लोगों से अपील की है कि उन्हें आगे आकर बात करनी चाहिए।